वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं शाद अली। आप मेरे कोर्सेज एन अकेडमी लर्निंग ऐप पर भी स्टडी कर सकते हैं। लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके यूपीपीएससी कैटेगरी में सर्च करेंगे शाद अली, मेरे कोर्सेज पर सीधे पहुंच जाएंगे। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा फाइनली 6 जनवरी को होने जा रही है। इसके लिए ऑफिशियल विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई है। यहाँ देख सकते हैं आप कि रविवार 6 जनवरी को सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 11 बजे से 1:30 बजे तक के बीच होगी और इसके लिए आप अपने एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र आज से डाउनलोड कर लेंगे। सभी अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र 31 दिसंबर यानी आज दोपहर से निर्धारित वेबसाइट atr.exam.upstc.gov.in के माध्यम से डाउनलोड कर पाएंगे। और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने एग्जाम सेंटर पर, उनको भी आप ध्यान में रखिएगा। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ में ऑनलाइन आवेदन करते वक्त आपने जो भी फोटोयुक्त पहचान पत्र की डिटेल्स दी होगी, उसी की जो है आपको ओरिजिनल कॉपी लेकर जानी है। एक तो हो गया आपका एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड के साथ जो भी आपकी ओरिजिनल आईडी है वो लेकर जानी है, जो भी फिल की है आपने, प्लस मूल प्रति के साथ में निम्नलिखित में से किसी एक प्रमाण पत्र को साथ लेकर जाना अनिवार्य है। मतलब एक एडमिट कार्ड हो गया आपका, दूसरा आपकी ओरिजिनल आईडी हो गई, और इनमें से एक, मतलब जो तीन ये दिए हुए हैं इनमें से एक आपके पास होना जरूरी है। प्रशिक्षण योग्यता का मूल प्रमाण पत्र, जो आपकी बीटीसी या बीएड डिग्री कहिए या सर्टिफिकेट कहिए, जो भी है उसका आपको ओरिजिनल लेके जाना है, ठीक है। दूसरा है, अगर ये नहीं लेकर जाना चाहते हैं तो प्रशिक्षण योग्यता के अंतिम सेमेस्टर की निर्गत अंक पत्र की मूल प्रति, या फिर आप ले जा सकते हैं जो आपका बीटीसी है या फिर बीएड है इसके फाइनल सेमेस्टर की जो मार्कशीट है उसको ले जा सकते हैं। मूल प्रति लेकर जानी है, मतलब ओरिजिनल लेकर जाना है। अंक पत्र की मूल प्रति अगर आपके पास इंटरनेट अंक पत्र की मूल प्रति ना होने पर इंटरनेट से प्राप्त जो भी अंक की प्रति है उससे संबंधित जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान या फिर आप विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार या फिर प्राचार्य या सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसको अटैच करवा कर लेकर जाना है। तो इसमें अगर ये भी ना हो तो आपको उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा या फिर केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का मूल प्रमाण, मूल सर्टिफिकेट आपको यूपी टेट का या फिर सी टेट का जो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो ले जा सकते हैं। मतलब तीन में से आपको ये एक होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपके पास तीनों लेकर नहीं जाने हैं, ये यहाँ साफ साफ लिखा है, देख सकते हैं आप कि पहचान पत्र की मूल प्रति के साथ, मतलब एक एडमिट कार्ड हो गया आपका, एक आपकी जो आइडेंटिटी प्रूफ है जो भी है, चाहे वोटर आईडी चाहे पैन कार्ड जो भी आपने फिल किया हो, एक वो लेकर जाना ओरिजिनल वो भी, और उसके साथ इन दोनों के साथ में निम्नलिखित में से किसी एक प्रमाण, यानी जो नीचे दिए हुए हैं तीन, इनमें से एक प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है। चाहे आपके पास बीएड बीटीसी इनका जो भी आपका सर्टिफिकेट है या डिग्री है वो आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए, या तो ये ले जाइए, ये नहीं लेकर जाते हैं तो आपके पास ये होना चाहिए कि जो भी आपकी प्रशिक्षण योग्यता यानी बीएड बीटीसी इनकी आपकी जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है वो ओरिजिनल लेके जानी है। अगर ओरिजिनल भी नहीं है तो आपके पास इंटरनेट कॉपी होगी उसकी, तो उसको अटैच करवा के लेकर जाना है। अगर ये भी नहीं है दोनों, तो आप तीसरा ऑप्शन आपके लिए है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो है जो यूपी टेट या फिर सी टेट का जो भी आपका सर्टिफिकेट है ओरिजिनल उसको ले जा सकते हैं। तो आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। और बाकी अभी देखिए, अभी अभी बचा हुआ है आपके पास 5 दिन का समय, 6 दिन तो नहीं, 5 ही दिन का समय मान सकते हैं आप। 5 दिन में आप रिवाइज करिए अच्छे से, और आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट में आपको सब्जेक्ट वाइज 200-300 क्वेश्चन है हर, उसमें हर प्रैक्टिस सेट में हर सब्जेक्ट के अलग अलग 12 सब्जेक्ट हैं आपके, 12 सब्जेक्ट के अलग अलग 300 क्वेश्चन हैं। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, उनको डाउनलोड कर लीजिए और उन क्वेश्चंस को पढ़िए अभी। प्लस यही आपको जो है आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर पाएंगे, ये दूसरा टेलीग्राम से कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, दोनों जगह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर अगर नहीं पहुँचे हैं तो टेलीग्राम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके वहाँ उसमें सर्च करेंगे टारगेट सरकारी नौकरी टेलीग्राम में, तो वो आपको जो ग्रुप है या चैनल है दिखाई देगा, उसमें आपको ये सारे PDFs मिल जाएंगे। चलिए इस वीडियो में हम रहने देते हैं इतना ही। थैंक यू सो मच।